अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हिलाल नजमी और आप देख रहे हैं नाउ न्यूज़ नेटवर्क। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके खुदादाद कॉलोनी में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की रिहाइश गाह के बाहर। एक बड़ा वाकया, एक बड़ा सानिया, आज सुबह वो जहान फ़ानी से कूच कर गए। इस वक्त उनकी मैयत जो है वो आगा खान अस्पताल में मौजूद है और बताया जा रहा है कि जिना हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा जहाँ पर पोस्टमार्टम होगा और फिर वजह मौत का तयन किया जाएगा। यहाँ पे हमारी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, जो यहाँ पे इनके साथ जो वकील थे उनका कहना ये है कि भाई यहाँ पे उन्होंने अभी 4 दिन पहले वो इस्लामाबाद से वापस आए थे और फिर जनरेटर था यहाँ पे, लाइट नहीं थी जिसकी वजह से वो सफोकेशन की वजह से। बहरहाल अभी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे सामने आती रहेंगी मुख्तलिफ बातें। हाँ, हतमी शक्ल या हतमी वजह मौत जो है वो जब ही सामने आएगी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी। और अभी क्राइम सीन पे जो है पुलिस के आला हुकाम भी मौजूद हैं और ये मालूम कर रहे हैं कि आया कि क्या वजूहत हैं, क्या सिलसिला है। तो इस वक्त नाज़रीन, जैसे कि जफर अब्बास साहब भी कह रहे थे, बहुत शदीद डिप्रेशन का शिकार थे काफ़ी अरसे से, पहली शादी, फिर दूसरी शादी, फिर तीसरी शादी और फिर उसके बाद तलाक और फिर उसके बाद जो उनकी वीडियोज़ आई उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शदीद जहनी दबाव का शिकार थे। यही नहीं, मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ चैनल्स पे हम उन्हें देख चुके हैं, मजहबी स्कॉलर भी रहे हैं, कौमी रुकने कौमी असम्बली भी रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे जो है सारा मीडिया भी जमा है, लोग भी मौजूद हैं और मुख्तलिफ अभी चीज़ें सामने आ रही हैं। साथ साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे और कैमरामैन मोहम्मद शुजात के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।